सब्सक्राइब करें सुहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहाइपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले एक यात्री लगेज कितना कैरी कर सकता है अपनी यात्रा के दौरान। तो इसके सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, लगेज एक ऐसी चीज है जिसे इंडियन रेलवे में यात्रा करने वाला हर यात्री अपने साथ ले जाता है। किसी का लगेज कम होता है तो किसी का लगेज ज्यादा होता है। साथ ही कोई यात्री ज्यादा लगेज ले जाता है बिना कोई जानकारी के और बाद में उसे पेनल्टी होती है। पर अगर आपको पेनल्टी से बचना है और कितना लगेज फ्री होता है और कितने लगेज के बाद चार्ज लगता है इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप ये जान लो कि अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग मेजरमेंट होता है लगेज का। वही लगेज में ऑफेंसिव आर्टिकल्स जैसे एक्सप्लोजिव, डेंजरस, ज्वलनशील आर्टिकल्स और खाली गैस सिलेंडर, डेड पोल्ट्री, तेजाब और अन्य संक्षारक पदार्थ लगेज के रूप में बुक करने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही ट्रंक्स, सूटकेस और बॉक्सेस जिनका आउटसाइड मेजरमेंट 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर की ब्रेथ होनी चाहिए और 25 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, इन साइज के लगेज को पर्सनल लगेज के रूप में पैसेंजर्स कोच में ले जाने की अनुमति होती है। यदि ट्रंक्स, सूटकेस और बॉक्सेस जिनके आउटसाइड मैप में किसी एक डायमेंशन से ज़्यादा है तो ऐसी वस्तुओं को बुक करने और ब्रेक वैन में ले जाने की आवश्यकता होती है, न कि पैसेंजर्स कंपार्टमेंट में। दोस्तों, AC 3 टायर और AC 4 कार कंपार्टमेंट में मैक्सिमम ट्रंक और सूटकेस का साइज 55 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर की ब्रेथ होनी चाहिए और 22.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जिनका प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट वो परमिटेड होते हैं ट्रेन के ऑल क्लासेस में, इनका फ्री अलाउंस होता है। दोस्तों, मर्चेंडाइज आइटम्स परमिटेड नहीं होते, यानी व्यापारिक जो आइटम होते हैं वो परमिटेड नहीं होते पर्सनल लगेज के रूप में। लार्जर डायमेंशन के सामान को केवल ब्रेक वैन में ले जाना होता है जिसका मिनिमम चार्ज 30 रुपये होता है। दोस्तों, पैसेंजर्स का लगेज अगर 100 केजी के अंदर है तो उसे पैसेंजर कंपार्टमेंट में ले जाने की परमिशन होती है, बस उसका डायमेंशन कम होना चाहिए। अगर यात्री का सामान 100 केजी के अंदर ऊपर है और उसका डायमेंशन 1 मीटर × 1 मीटर × 0.1 मीटर है तो उसे लगेज बुक करना होगा। दोस्तों, प्रत्येक यात्री को एक फ्री अलाउंस दिया जाता है जिसमें यात्री अपना सामान कोच में ले जा सकता है फ्री में। जैसे AC फर्स्ट क्लास में 70 केजी फ्री अलाउंस होता है, 15 केजी मार्जिनल अलाउंस होता है और 150 केजी मैक्सिमम क्वांटिटी परमिटेड होती है। AC 2 टायर में यह 50 केजी फ्री अलाउंस होता है, 10 केजी मार्जिनल अलाउंस होता है और 100 केजी मैक्सिमम होता है। AC 3 टायर में 40 केजी फ्री अलाउंस होता है, 10 केजी मार्जिनल अलाउंस होता है और 40 केजी मैक्सिमम होता है। स्लीपर क्लास में 40 केजी फ्री होता है, 10 केजी मार्जिनल होता है और 80 केजी मैक्सिमम होता है। सेकंड क्लास में 35 केजी फ्री होता है, 10 केजी मार्जिनल होता है और 70 केजी मैक्सिमम होता है। अब दोस्तों, अगर जब कोई यात्री रास्ते में या डेस्टिनेशन पर बिना बुक किए या पार्शली बुक किए गए सामान के साथ पाया जाता है जिसका वेट फ्री अलाउंस से अधिक होता है तो सामान के फ्री अलाउंस से अधिक अनबुक किए गए अतिरिक्त वजन को सामान के 6 टाइम्स के बजाय 6 टाइम चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों, ये रही सारी जानकारी कि कितना सामान ले जा सकता है एक यात्री फ्री में ट्रेन की यात्रा के दौरान। सो आई होप वीडियो की सारी जानकारी आपको समझ आई हो। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी रेलवे से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।